कोरोना वायरस के संक्रमण ने इंसानों ही नहीं बेजुबानों को भी मुश्किल में डाल दिया है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं। मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या और काशी के मंदिरों के कपाट बंद हैं। ऐसे में इन मंदिरों के आसपास रहने वाले बंदर इन दिनों भूख से परेशान हैं। तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं और धार्मिक संगठन बंदरों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास नाकाफी है। कान्हा की नगरी के हर मंदिर और यमुना किनारे बंदरों की भरमार है। यहाँ इनकी आबादी इतनी अधिक है कि सांसद हेमा मालिनी को बंदर की समस्या को लोकसभा में भी उठाना पड़ा। आए दिन बंदरों की वजह से यहाँ दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन लॉकडाउन में यहाँ बंदर भूख से तड़पते दिख रहे हैं। बंदरों को खाने पीने की चीजें भक्तों के जरिए मिलती थी, मंदिर बंद है और भक्त अपने घरों में कैद हैं। छावनी स्टेशन से लेकर भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान, श्री बांके बिहारी मंदिर आदि स्थानों पर तो आम दिनों में बंदरों की वजह से आसानी से निकलना मुश्किल होता है। मथुरा छावनी के जीआरपी कांस्टेबल रामवीर सिंह के मुताबिक अकेले छावनी में ही 250 से अधिक बंदर हैं। लॉकडाउन से पहले भक्त इन्हें केले, चने और भी अन्य भोज्य सामग्री देते थे। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, लेकिन यह सभी बंदरों का पेट भर पाने में समर्थ नहीं है। ऐसे में भूखे बंदर इधर उधर भागते देखे जा सकते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर चित्रकूट के बंदरों में देखा जा सकता है। मंदिरों की बंदी की वजह से मासूम बेजुबानों के सामने भोजन की विकराल समस्या खड़ी हो गई है। भगवान राम की तपोभूमि में इन दिनों एक तरह से वानर सेना की धमा चौकड़ी थम सी गई है। भक्तों के न आने से बंदर भूख से बेचैन है। भूख से बेहाल मंदिरों का डेरा छोड़कर इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। ये अब घरों में उत्पात मचा रहे हैं। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर हजारों की संख्या में बंदर हैं, जो हमेशा उछल कूद मचाए रहते हैं। बड़ी संख्या में आने वाले आस्थावान इन्हें भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन लोगों के न आने से इनकी भूख शांत नहीं हो पा रही। तीर्थ क्षेत्र में कुछ संवेदनशील लोग परिक्रमा मार्ग पर पूरी और अन्य सामग्री बंदरों के लिए बांट रहे हैं। प्रशासन से अनुमति लेकर शकरकंद और चने आदि भी बंटवाए जा रहे हैं। साधु संत भी मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुतायत बंदरों के लिए ये सारे प्रयास दाल में नमक के बराबर है। काशी में पुलिस बनी बंदरों का सहारा। काशी में जगह जगह झुंड बनाकर रहने वाले बंदरों का भी लॉकडाउन इम्तिहान ले रहा है। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को काशी वासियों से अपील की थी। तब उन्होंने कहा था, काशीवासी जिम्मेदारी लें कि आपके आसपास कोई बेजुबान भी लॉकडाउन में भूखे पेट नहीं रहेगा। उनकी इस अपील का असर यहाँ दिख रहा है। पुलिस, धार्मिक सामाजिक संगठन और देवालय मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास, संकट मोचन मंदिर, मुंशी घाट क्षेत्र, दशाश्वमेध आदि इलाकों में बंदरों और यहां घूमने वाले गौवंश के लिए केला, ब्रेड आदि की व्यवस्था करते दिख रहे हैं। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के पुजारी कामता द्विवेदी बताते हैं कि भक्त मंदिर में पूजा के साथ पेड़ों पर रहने वाले सैकड़ों वानरों के लिए फल, ब्रेड, बिस्किट और पूड़ी का दान कर रहे हैं। अन्नपूर्णा भोजन की टीम जहां बंदरों की संख्या अधिक है, वहां उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। अयोध्या में बेजुबान के लिए दिखी इंसानियत। रामनगरी अयोध्या में राम भक्त हनुमान के संगी साथियों की बहुत बड़ी तादाद है। हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर रामलला परिसर तक इनकी बहुत आबादी है। लॉकडाउन में इन बंदरों के भोजन की समस्या बढ़ गई है, लेकिन इंसानियत का यह तकाजा है कि संकट की इस घड़ी में वह बंदरों का भी पेट भर रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संगठन बंदरों के भोजन का भी प्रबंध कर रहे हैं। शहर के कई इलाकों में बंदरों की टोलियों को कोई चना खिलाते तो कोई फल और पूड़ी बांटते दिख जाता है। हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास बताते हैं कि संकट काल में बंदरों की सेवा के लिए फल, चना के साथ पूड़ी का प्रबंध किया गया है। वह कहते हैं कि संकट की घड़ी में जहां लोग इंसानों की सेवा कर रहे हैं, वहीं तमाम लोग बेजुबान जानवरों की सेवा में भी जुटे हुए हैं।
क्योंकि इन्हें भी तो भगवान ने ही बनाया है, इसलिए बंदरों की सेवा भी इंसान का फर्ज है। पत्रिका उत्तर प्रदेश की खास रिपोर्ट।